हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बीएड केयर। महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2024 की जो एग्जाम की डेट है वो हमारे सामने है। 9th एंड 10th ऑफ मार्च को ये एग्जाम होना है। ऑफिशियली सीईटी सेल की वेबसाइट पे डेट आ चुकी है एंड देयर इज अ हाई चांस कि आपकी एग्जाम इसी डेट्स को होगी। ठीक है, अब एग्जाम के डेट आने के बाद ही ऑलमोस्ट काफी सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स वैसे होते हैं जो लोग एमबीए कैट या फिर बाकी जो दूसरे एग्जाम्स थे, शायद हो सकता है एनमैट या फिर स्नैप, ऐसे एग्जाम दिए थे एंड किसी रीजन से वहाँ पे उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाया। तो जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में रहते हैं दे टारगेट एमबीए सीईटी 2024। उसके पीछे रीजन ये होता है कि कुछ काफी अच्छे, मैं कहूँगा वेल नोन कॉलेजेस हैं, जैसे कि जेबीआईएमएस, जमनालाल बजाज, सिडनम, वेलिंकर, यहाँ का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। फीस भी काफी अफोर्डेबल होती है, अगर हम आरओआई देखें तो काफी बेटर होता है। ठीक है, तो क्या आर यू प्लानिंग टू क्रैक महाराष्ट्र एमबीए सीईटी विद ऑसम स्कोर? क्या आप टॉप कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र जो है जो सीईटी के एग्जाम लेते हैं वहां पे आप जाना चाहते हो? नाउ माय क्वेश्चन इज, हैव यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? क्या आपने आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है? देखो, अगर आपने कैट की तैयारी की है और अच्छे से, तो आपका काफी हद तक जो सिलेबस है वो हो चुका है। बट सीईटी में थोड़ा सा जो क्वेश्चन टाइप है वो थोड़ा सा अलग होता है। टॉपिक्स मोर और लेस सिमिलर हैं खासकर, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ सीईटी में आते हैं, कैट में नहीं आते। जैसे कि नॉन वर्बल रीजनिंग, ये पूरी तरीके से कैट में नहीं आता, सीईटी में आता 25 मार्क का। प्लस एलआर में आप कैट देखोगे तो वहां पे एलआरडीआई का सेक्शन होता है, वहां पे डीआई और सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स जैसे क्वेश्चन आते हैं। बट यहाँ पे आपके छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ना, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये सारी चीजें आपको सीईटी में पूछी जाती है। और मैथ्स में भी वहां पे थोड़ा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, काफी सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपको सीईटी में क्लियर करने। तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो देखिए, अभी अलग अलग रीजंस होते हैं। कोई वेट कर रहा है न्यू ईयर का, कोई वेट कर रहा है क्रिसमस का, कोई वेट कर रहा है अलग अलग रीजन से, किसी का कॉलेज है, किसी का कुछ अलग एक्टिविटी चल रही है, राइट, किसी को टाइम नहीं मिल रहा है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं। कोई ये सोच रहा है कि मैं एमबीए इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉलेजेस की फीस ज्यादा होती है, राइट। देखो, आपको लोन्स मिल जाते हैं, एजुकेशनल जो लोन है आजकल काफी आसान हो गया है, वो मिल जाता है। आपको पे करना है कॉलेज के बाद, तो आप पहले एमबीए करिए लोन के पैसे से। अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका इंटरेस्ट बच जाएगा। पर अगर वैसा नहीं पॉसिबल है तो आप थोड़े पैसे खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, बाकी पैसे आप लोन ले रहे हो, तो आपको जो रीपेमेंट है वो आपको कॉलेज के बाद पे करना होता है। तो दिस नो मनी प्रॉब्लम, क्योंकि होगा क्या कि अभी आपको जो सैलरी मिल रही है वहां से वो पर्टिकुलर सैलरी तक पहुंचना जो आपको एमबीए के बाद डायरेक्टली मिल जाएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इफ यू टारगेटिंग टॉप कॉलेजेस देन आई विल रिकमेंड नॉट टू गिव एनी एक्सक्यूजेस। क्योंकि होता क्या है, हम जो एक्सक्यूजेस देते हैं ना, जनरली वो हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ही ना करे, वो सिर्फ हमारे मन में चल रहा है। हमने एक थॉट बना दिया, हमने एक प्रॉब्लम बना दिया, उस थॉट को हमने बहुत बड़ा करते चले गए और हमें लग रहा है कि अब ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई जॉब पे जा रहा है एमबीए करना है, इस चक्कर में 3-4 साल निकल गए, ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा। अरे भैया, जॉब आपका जो है वो 9 घंटे का होगा, ज्यादा ज्यादा 10 घंटे जाएंगे, पर अगर आप उसके बाद 2-3 घंटे आप अच्छी तरीके से निकाल लेते हो तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ गुड स्कोर इन महाराष्ट्र एमबीए सीट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कब तैयारी करनी है, तो लोग बोलते चलो कल से कर लेते हैं, देयर इज नो टुमारो, ये हम सबने देखा हुआ है। तो अब न्यू ईयर आ रहा है, राइट, तो न्यू ईयर कैसे स्टार्ट करें, आप आरंभ कैसे करना चाहते हो? क्या हम ये सोचे कि आपको एडमिशन चाहिए टॉप एमबीए कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र में? अगर चाहिए तो आपको उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। एक काफी अच्छा ये डायलॉग है, पिक्चर थी मांझी द माउंटेन मैन, जिसमें था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपके सामने एमबीए सीईटी एग्जाम है जो आपको पता है कि वो आपको जनरल बजाज, सिडनम, वेलिंकर या फिर बाकी के जो टॉप कॉलेज है वहां पे आपको एडमिशन देगा, राइट। और यहाँ से जो प्लेसमेंट मिलता है, ये सब कॉलेजेस की जो फीस है काफी अफोर्डेबल है। नॉर्मली आप देखोगे जो आईआईएम्स की फीस है, बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो 20 लाख के ऊपर होती है, कुछ कॉलेजेस की फीस 30 लाख रुपए तक जाती है। यहाँ पे आपको जो एमबीए है वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, महाराष्ट्र के जो टॉप कॉलेजेस है वहां पे आपको मिल जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स आरंभ, ठीक है, लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर महाराष्ट्र एमबीए सीईटी। तो वी आर लॉन्चिंग अ न्यू लाइव बैच फॉर महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2024। ये रहे कोर्स के हाईलाइट्स। ठीक है, सबसे पहले रेगुलर 7 to 9 AM ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स, हफ्ते में 5 से 6 दिन आपकी क्लास चलेंगे। लाइव क्लास होगी, आप अपने घर से अपने फोन या लैपटॉप से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा आपको, जो लाइव लेक्चर्स होगी पूरा रिकॉर्ड भी होगा। तो मान लीजिए अगर आपकी कोई क्लास छूट गई किसी रीजन से, ठीक
है, घबराने की कोई बात नहीं होगी, आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग होगी, एग्जाम के डेट तक आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इन केस एग्जाम की डेट पोस्टपोन भी हो गई तो भी आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग होगी। डाउट्स इन लाइव क्लास, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, वो आप जो डाउट्स है आप लाइव क्लास में टीचर से पूछ सकते हो। लेक्चर्स किस लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश मिक्स, ठीक है। काफी सारे ऐसे चीजें हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में ही हम सिखाएंगे तो बड़ा डिफिकल्ट होगा, तो जो टीचर्स हैं दे विल टीच यू इन इंग्लिश एंड हिंदी। कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आप बेसिक्स कह सकते हो, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, ठीक है, स्ट्रैटेजी एंड टिप्स। जितने भी टीचर्स हैं दे ऑल आर एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस्ड, कोई भी फ्रेशर टीचर नहीं होगा। 50 दिन का बैच होगा, 50 डेज का लाइव बैच है, 15 जनवरी को चालू होगा और 4 मार्च तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में थोड़े समय में बताऊंगा। तो 50 डेज का लाइव बैच है, अप्रोक्सीमेटली आप इसको 2 महीना समझ सकते हो। टॉपिक वाइज ई बुक्स मिल जाएंगे आपको, अलग से आपको बुक कोई लेने की जरूरत नहीं है। इस ई बुक के अंदर करीब 3,000 से ज्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, 2,500-3,000 यहाँ पे क्वेश्चंस है। वोकैबुलरी के ऊपर 300 वीडियोस है, क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो इंग्लिश का मार्क्स अधिकतर जो स्टूडेंट्स का कटता है वो वोकैब की वजह से कटता है। तो ये 300 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स, ठीक है, काफी अच्छा है, उसको आप देख देख लेंगे 300 वीडियोस को, आपका स्कोर अच्छा आने का चांसेस हो जाएगा इंग्लिश में। प्रैक्टिस के लिए 200 से ज्यादा टॉपिक वाइज टेस्ट, 20+ मॉक टेस्ट लाइक एग्जाम, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, डाउट्स, ई बुक्स, ठीक है, वोकैबुलरी के ऊपर वीडियोस एंड प्रैक्टिस के लिए 20 मॉक टेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ फ्री बोनस आल्सो। फ्री बोनस क्या है, आपको मिलता है 4 दिन का ब्रह्मास्त्र कोर्स विद वन पर्टिकुलर मॉक, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट। अब ये क्या है, इसके अंदर 4 दिन हम एक हमारा मास्टर सेशन होता है, ठीक है, जिसको हम मास्टर क्लास बोलते हैं, जिसमें स्ट्रैटेजी, सीक्रेट्स एंड सक्सेस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में, हम ये 4 दिन पहले करेंगे एग्जाम के पहले। तो 4 तारीख को एज ए सेट आपकी बैच खत्म हो जाएगी, एग्जाम 9 तारीख को है, तो उसके बाद 4 दिन में आपका ये होने वाला है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र बैच। एक एक क्लास होगी, इंग्लिश की एक क्लास, मैथ्स की एक क्लास, एलआर की एक क्लास और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की एक क्लास, और उसके साथ में होगा ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट। तो ये जो टोटल कोर्स होता है हमारा ₹600 का होता है, दिस इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाले हैं जो मैंने आपको बताया, कंप्लीट कोर्स एंड 2 फ्री चीजें। एक होता है कैप कोर्स। कैप कोर्स क्या होता है, जिसमें आपको एडमिशन जब राउंड चलता है ना, कैसे फॉर्म भरना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कब तक रुकना है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपके स्कोर पे, प्रीवियस ईयर क्या क्या कट ऑफ था, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं हमारे कैप के बैच में, ठीक है, जिसका भी जनरली चार्ज ₹200, दिस इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। अब कोर्स की फीस क्या है, तो लिमिटेड टाइम ऑफर है। जनरली हमारा जो लाइव बैच चलता है उसकी फीस हम 15,000 से 20,000 रुपये रखते हैं, बट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर बैच जिसका नाम है आरंभ, क्योंकि ये हम आरंभ कर रहे हैं नए साल में फॉर महाराष्ट्र MBA CET 2024, तो इसकी प्राइस हमने रखी हुई सिर्फ ₹9,000, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड इंक्लूडिंग GST, ₹9,000 टिल 2nd of January। अब इसको आपको ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने के लिए आपको इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक दिख जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से पे कर सकते हो, या फिर हमारा बी एडुकेयर का ऐप है जिसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको दिख जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप मुंबई में हो, मुंबई में आप हमारे 3 ब्रांचेस हैं, घाटकोपर, दादर, डोंबिवली, आप वहां पे आके आप एनरोल कर सकते हो, या फिर ये पर्टिकुलर आपको QR कोड दिख रहा है, इसको आप स्कैन करिए आपके किसी भी ऐप से जिससे पेमेंट आप कर पाओगे, एंड देन यू हैव टू मेक पेमेंट, एंड पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज देना है, ठीक है। अगर आप ये तीनों कर रहे हो तो आपको कोई स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप स्कैन करके भेज रहे हो तो आपका डिटेल्स हमें लगेगा, अदरवाइज बाकी ये सारे मोड में हमारे पास डिटेल्स आपके आ जाएंगे, ठीक है, फाइन। तो आई बिलीव दिस कोर्स इज गोइंग टू बी यूजफुल, ओके। एंड तब तक क्या करना है, 15 जनवरी को बैच चालू हो रहा है, तब तक क्या करना है, हम आपको बैच कोर्स का एक्सेस दे देंगे, 300 वोकैबुलरी वीडियोस आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, एक फ्री मॉक टेस्ट हम आपको दे देंगे अभी, जिसको आप दे सकते हो टू गेट अ फील ऑफ द पेपर, एंड हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया कि तब तक आपको क्या करना है, बेसिकली इट्स अ होमवर्क जो आपको करके रखना है, ठीक है, 15 तारीख तक। एंड तब तक अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन होगा एग्जाम के रिलेटेड, कॉलेज के रिलेटेड, कुछ भी, आप हमें बेझिझक होकर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, फाइन। तो ज्वाइन कैसे करना है, इसी वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, आप उसमें क्लिक करिए, आपको ये कोर्स के हाइलाइट सारे दिख जाएंगे, वहां से यू कैन मेक द पेमेंट, फाइन। सो थैंक यू सो मच। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस बैच, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 8383818888, फाइन। सो थैंक यू सो मच, वी विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द लाइव बैच, थैंक यू।